अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ रिजवान और आप देख रहे हैं 3D लर्नर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। इसके ऊपर हम ऑटो कैड के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑटो कैड 2017। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये एक बेसिक ड्राइंग 2D जो है वो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग में देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। ये सर्कल्स लगे हुए हैं कुछ काफ़ी सारे, तो सबसे पहले हम सर्कल्स को ड्रा करते हैं। सर्कल कमांड सेंटर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने इसका 15 रेडियस है तो 15, उसके बाद अगेन सर्कल, फिर से इसी सेंटर के ऊपर नेक्स्ट सर्कल जो है वो 40 का डायमीटर है, मींस 20 का रेडियस, उसके बाद अगेन सर्कल और 40 का रेडियस उसका दिया हुआ है, उसने 40 का रेडियस लगाना है हमने 40। उसके बाद फिर से हम सेलेक्ट करना है सर्कल और वही उसका सेंटर, और नेक्स्ट जो है वो है 45 का रेडियस, 45, और नेक्स्ट जो है वो है 50 का रेडियस, सो 50 सर्कल्स हमारे लग गए हैं। अब हमने ये जो हिस्सा है ये वाला ड्रा करना है, ये वाला हिस्सा कह रहा है कि किसके अंदर सेंटर लाइन लगानी है, उसके बाद उसे 16 टोटल उसका डायमीटर डायमेंशन बताइए, और हमने 8 का ऑफसेट इधर लगाना है और 8 का ऑफसेट इधर लगाना है। सबसे पहले हम एक लाइन लगाते हैं, टर्न ऑफसेट 8, टर्न ऑफसेट ऑफसेट इंटर। उसके बाद हमने ट्रिम कमांड को सेलेक्ट किया, डबल इंटर करके हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। शिफ्ट दबाकर जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एक्सटेंड का काम करेगी। उसके बाद हमने इसके अरे कमांड के जरिए हमने यहाँ पर हमारे पोलर अरे, यानी कि हमने गोल में गोल सर्कल के अंदर हमने जो भी काफ़ी सारी तादाद में बनाना चाहते हैं कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो इस कमांड को ले लेते हैं हम यहाँ से, तो हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इंटर करना है। इंटर करने के बाद सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद हमने हमारी क्वांटिटी बतानी है कि कितनी है, 4 थी हमारी, यानी कि हमें 4 चाहिए, तो ये 4 ड्रा हो गए। और उसके बाद ट्रिम कमांड इंटर, यहाँ से ख़त्म कर देना, ट्रिम कर देते हैं, सॉरी यहाँ से ट्रिम होगा, और यहाँ से और यहाँ से ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। लेकिन ये वाली लाइनें हैं जो सेंटर लाइन से शो की हैं, तो हमने यहाँ पर इनको क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इनको सेंटर लाइन में चेंज कर देना, तो ये सेंटर लाइन बन गई। उसके बाद जो है वो यहाँ पर इसके सेंटर में जो है एक बॉक्स बना हुआ है, तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड को लेना है। रेक्टेंगल कमांड को लेके कोई भी पॉइंट दे देना है। पॉइंट देने के बाद अब वो हमें पूछ रहा है कि आपने किस तरह ड्रा करना है ये वाला बॉक्स, तो हम डायमेंशन के ज़रिए करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डी प्रेस करने के बाद इंटर करेंगे और हमारी मैश जितने भी हमारी डायमेंशन है वो बताएँ। तो हमारी मैश है वो है 16 का हमारा बॉक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम 16 इंटर एंड 16 इंटर, ये हमारा बॉक्स लग गया। उसके बाद हमने इसे सेंटर में रखना है, तो सेंटर में रखने के लिए इसका भी सेंटर हमें मालूम होना चाहिए, तो सेंटर मालूम करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे। इंटर करने के बाद उसके बाद हमने मूव कमांड लेनी है, मूव इंटर, सेलेक्ट किया सब्जेक्ट को, फिर इंटर किया और सेंटर पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट में रख दिया, तो ये हमारा तकरीबन ड्राइंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमारे रह गई हैं इसके ऊपर डायमेंशन देने के लिए, सो डायमेंशन में जाना है। सबसे पहले लीनियर के लिए हम यहाँ पर लीनियर और ये इस तरह ये, उसके बाद यहाँ पर है ये भी 16 है, और उसके बाद हमारे सर्कल्स के लिए यहाँ पर रेडियस था, सॉरी ये रेडियस, यहाँ पर रेडियस लेते हैं, ये आ गया, उसके बाद ये वाला था, उसके बाद ये है,
ये है एंड ये हमारी कंप्लीट हो गई ड्राइंग, तकरीबन हमारी कंप्लीट है ऑलमोस्ट। हाँ कंप्लीट हो, ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यानी कि देखें आपने सिंपल सा काम है ड्राइंग्स को, ड्राइंग को बनाना। आपने सिर्फ अपने जहन में अपनी कमांड्स को याद रखना है कि कौन कौन सी कमांड जो है वो इसमें यूज़ हो रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।